कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। आज हम आपके लिए एकदम हेल्दी मालपुए बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मालपुए हेल्दी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही मीठे होते हैं, लेकिन हम आपके लिए बनाएंगे बिना चाशनी के। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। और जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, उनको भी कोई सोचना नहीं पड़ेगा ये मीठा बहुत है हमें नहीं खाना, ये आप आराम से खा सकते हैं बिना सोचे। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए हम मालपुए बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हम पानी डालेंगे। साथ ही इसमें हम चीनी डाल देंगे। अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छे से, जब तक ये चीनी पूरी अच्छे से घुल नहीं जाती। ये आप देख सकते हैं कि चीनी पानी में डिसॉल्व हो गई है, अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें बाकी की चीजें डालते हैं। अब हम इसमें केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम नाइस इसका एरोमा आता है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे थोड़ी सी, और साथ ही इसमें हम मैदा डाल देंगे। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्रोपोर्शन का आपने ध्यान रखना है, जैसे हमने एक कप मैदा लिया है तो आधा कप ये पानी से आपने ये सारा मिक्सचर बनाना है, बैटर जो भी है ये आपने ध्यान रखना है। इसको पूरा स्मूथ बैटर बना लेंगे मिक्स करके, कोई भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। ये आप देखिए पूरा बैटर अच्छे से मिक्स होके एकदम स्मूथ हो गया, ये देखिए ये एकदम अच्छा हो गया बनके। इसमें हमने एक चीज और डालनी है, वो है बेकिंग सोडा, तो ये हम डाल देते हैं। इसका आपने बस ध्यान रखना है कि ये एकदम फ्राई करने से पहले ही आपने डालना है। इसको डालने के बाद आप इसको कोई रेस्टिंग टाइम नहीं देंगे ये बैटर को, नहीं तो आपके ये मालपुए ठीक नहीं बनेंगे। हम ये डाल देते हैं इसमें, मिक्स कर देते हैं इसको, इससे एकदम लाइट और फ्लफीपन आ जाएगा बैटर में। ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं मालपुए और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर कोई डायबिटिक है उसके लिए आप ये बना रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि जो नॉर्मल शुगर हमने डाली है उसके बदले आप शुगर फ्री डाल सकते हैं, तो टेस्ट में तो वैसे ही मीठा आ जाएगा शुगर फ्री से। और ये हम बिना चाशनी के बना रहे हैं मालपुए। और कोई जैसे एकदम डाइट कॉन्शियस होते हैं, नहीं पसंद करते ज़्यादा मीठा खाना, तो वो भी ऐसे ये मालपुए खा सकते हैं, बिना चाशनी के बन रहे हैं। बस अब ये बैटर एकदम तैयार हो गया, हमने ऑयल भी फ्राई करने के लिए जो हमें चाहिए वो रखा हुआ है गर्म होने के लिए। अब हम इनको आगे फ्राई करते हैं। अब आगे मालपुए फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले से ही गर्म किया हुआ है, और फ्राई करने के लिए फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने नहीं फ्राई करने, नहीं तो बाहर से ये एकदम जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम फ्राई करते हैं इनको। थोड़ा सा ये बैटर लेंगे और ऐसी सेंटर में पोर कर देंगे हम। इसको भी फ्राई होने देते हैं, हल्का सा कड़छी से ऑयल ऊपर डालेंगे। जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं जितने आपके पूरे आ जाते हैं उतने आप डाल दें। बहुत ही इजीली बन जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। जो वैसे मालपुए बनाए जाते हैं वो तो सावन के महीने में ज़्यादातर खाए जाते हैं, लेकिन जो ये तरीके के हम बना रहे हैं इनको तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चाशनी नहीं डाल रहे और ये एकदम हैवी भी नहीं लगते खाने में। एक और इसमें डाल देते हैं। आप देख सकते हैं ये लाइट और फ्लफी कितने दिख रहे हैं। बस फ्राई करने के टाइम आप ध्यान दें कि बहुत ज्यादा भी आप ना भर दें एक ही बार बैटर सारा, क्योंकि इनको फूलने के लिए भी जगह चाहिए होती है। ये
एकदम जल्दी से आप इनको बना सकते हैं। कोई घर में आपके एकदम अचानक आ रहा है तो आपने डेजर्ट कोई नहीं बनाई हुई, कोई तैयारी नहीं अगर आपकी, तो आप जल्दी से ये बना के सर्व कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो बस ये आप देख सकते हैं इंग्रीडियंट भी कितने कम हैं इसके, कोई आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और आजकल तो वैसे ही सब इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, मीठा तो वैसे ही लोग ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। इस टाइप की चीज़ें आप बना सकते हैं, सबको पसंद आएंगी, किसी को भी आप बना के खिलाएं घर में। देखिए कितने अच्छे फूले फूले लग रहे हैं ये। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक दोनों साइड अच्छा गोल्डन कलर में आ जाए। एक साइड तो आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया, दूसरी साइड भी बस थोड़ा सा रहता है कसर। इसको हम गोल्डन कलर आने तक पूरा सेक लेते हैं और फिर इनको हम निकालेंगे। जो हमने पहले डाले थे मालपुए, उनका दोनों साइड से अच्छा कलर आ गया गोल्डन, इनको हम निकाल लेते हैं किचन टेबल पे। ऐसे ही हम सारे मालपुए फ्राई कर लेते हैं। ये सारे मालपुए हमने फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। एक टाइम के मालपुए बनाने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं और एक कप ये जो हमने बैटर यूज किया था मैदे से जो हमने बनाया था, इससे टोटल हमारे 8 के करीब बन गए हैं मालपुए। अब हम इनको सर्व करते हैं। ये आप देखिए, वैसे तो मालपुए इस टाइम खाने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके ऊपर रबड़ी लगाएंगे। ये आपकी मर्जी, आप ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो रबड़ी लगा के भी आप इसको खाएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। रबड़ी लगा देते हैं ऐसे, इससे तो एकदम टेस्ट और ही अच्छा हो जाता है। रबड़ी लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालते हैं, जस्ट थोड़ा सा ही डालेंगे फ्लेवर के लिए। और इसके ऊपर हम चॉप्ड एलमंड्स डाल देंगे। ये आप देखिए मालपुए बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। आप चाहे इसको रबड़ी लगा के खाएं या बिना रबड़ी के खाएं, ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इनको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। और फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।